आगे बढ़ते हुए टुडे 24 न्यूज चैनल की टीम जिला मुरादाबाद के ब्लॉक छजलैट के गांव चेतरामपुर पहुंची। जिला मुख्यालय से इसकी दूरी 25 किलोमीटर तो ब्लॉक से मात्र 3 किलोमीटर है। 2000 वोट और 7000 की जनसंख्या वाले इस गांव की बागडोर श्रीमती बाला देवी संभाले हुए हैं। यह गांव विकास के पथ पर अग्रसर है। 4 वर्षों में इन्होंने गाँव में अच्छा विकास कराया है, लेकिन अभी भी किन किन समस्याओं से गाँव जूझ रहा है ये जानते हैं प्रधानपति की जुबान। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद है ब्लॉक छजलैट के ग्राम खलीलपुर कद्दीम में। यहाँ प्रधान द्वारा काफी विकास कार्य करवाए जा चुके हैं, जिसकी पूरी जानकारी हम यहाँ प्रधानपति से लेकर आपको बताएंगे। तो आइए चलते हैं प्रधानपति के पास। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। प्रधान जी, यहाँ 4 साल आपकी पत्नी के कार्यकाल को लगभग पूरे हो चुके हैं प्रधान जी, क्या क्या विकास कार्य अब तक गाँव में आपने करवाए? 51 आवास बनवाए जी और 350 शौचालय बनवाए जी, ग्राम पंचायत और सर हमने स्कूलों और दरवाजे टेबल वगैरह स्कूल में काफ़ी कार्य करवाया, शौचालय बनवा दिए और जी बाकी जो टोटल RCC कराई, RCC CC टाइल्स कार्य वगैरह करवाया? नहीं सब अभी तक RCC है, RCC करवाया वगैरह नहीं कराया, टोटल RCC। सोलर लाइट स्ट्रीट लाइट लगवाई है? बस स्कूलों में लगवाई, कूड़ेदान वगैरह लगवाए हैं। सफाई का स्तर कैसा है यहाँ? सफाई के सफाई का एक कर्मचारी है केवल, और 2 ग्राम पंचायत में सफाई नहीं हो पाती। आता है नियमित आते हैं? तो आप क्या कहना चाहेंगे सफाई के लिए? हमें चाहते हैं कि एक सफाई कर्मी और यहाँ पर तैनात किया जाए आपकी ग्राम पंचायत में। टोटल देखकर आपने देखा भी होगा दरवाजे पे ज़्यादा रास्ता गंदा है, तो अगर 2 आदमी होंगे तो 2 गाँव हैं। वैसे स्टेट देखो हम यहाँ पे बसे हुए हैं जैसे गाँव से, तो हमारे यहाँ सफाई कर्मी कोई मतलब ही नहीं है, कहते यहाँ सफाई कर्मी वहाँ गाँव जाता है उधर जाता है, जो टोले बने हुए हैं इनमें तो यहाँ आपकी ग्राम पंचायत में 100 नंबर 102 नंबर की सुविधा समय पर मिल जाती है सबको बिल्कुल। इसके बाद में शिक्षा का स्तर यहाँ कैसा है? शिक्षा का सही है बिल्कुल। अब अपने गांव को सुंदर बनाने के लिए सरकार से रखना हम ये चाहते हैं, साहब हमें इसके लिए सड़क के लिए हमें पैसा मिलना चाहिए। हमारे यहाँ अभी तक जो है अधिकतर अभी CC टाइल्स कार्य करवाएंगे या CC टाइल्स, तो कितने मीटर CC से आपका जो ये गांव अभी इतना तो मेरे नाप 16 तोपाना है, मगर अधिकतर जो है कई रास्ते बहुत लंबे लंबे जो हैं गंदे, क्योंकि इस अब जो एक वर्ष बाकी बचा है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 1500 मीटर ही अब मिल सकता है। हमें मिल जाए तो हम तो 2000 मीटर मिल जाए तो और भी अच्छा है, अगर मिल जाए तभी तो। कितने गरीब पात्र अभी यहाँ ऐसे होंगे जिन्हें आवास की आवश्यकता? तो आवास के लिए पात्र लोग हैं उनकी सूची बनकर चली गई है। लगभग कितने परिवार? 100 परिवार अभी हैं ऐसे। सरकारी बिल्डिंग में यहाँ बारात घर है, पंचायत घर है, अस्पताल, आंगनबाड़ी केंद्र, आंगनबाड़ी खेल का मैदान है, तो इसके लिए आपने कभी कोशिश की सरकार से? क्या खेल के मैदान के लिए, ग्राम समाज के लिए छोटी सी दुकान और पंचायत भवन और पंचायत भवन के लिए भी नहीं है, ग्राम समाज की भूमि यहाँ गाँव में है ही नहीं बिल्कुल, जितनी जो पहले सभा मंडल जी। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे सरकार से, किस तरह से आपको मदद? हम ये चाहते हैं कि या तो हमें भूमि मिले कहीं से, या कहीं से कुछ ना कुछ, या तो बाराती घर हो या कोई वो बने चिकित्सालय। क्या सांसद निधि विधायक निधि से कभी इस गाँव में कोई मदद मिली आपको? नहीं मिली अभी तक कोई मदद? कोई नहीं मिली, बस एक राजद विधायक जी का ये वार वाला हुआ और बाकी कुछ नहीं। इसके अलावा और कुछ कहना चाहेंगे आप जिससे सरकार? हम तो ये चाहते हैं सरकार से चाहते हैं कि हमें अधिक से अधिक योजनाएं मिलें और उसका हम जो सरकार की योजनाएं चलती हैं उनका लाभ यहाँ लोगों को मिलता है सभी को? हाँ सब मिलता है। जैसा कि आपने देखा ग्राम प्रधान प्रतिनिधि से, ग्राम प्रधान पति से हमने यहाँ बातचीत की है। काफी विकास इनके द्वारा यहाँ करवाया जा चुका है, जैसे कि RCC रोड यहां पर ज़्यादातर डलवाए गए हैं, शौचालय से भी ये गांव पूरी तरह से ODF हो चुका है, आवास भी यहां काफ़ी हद तक लोगों को मिले हैं, लेकिन अभी भी लगभग 100 गरीब पात्र ऐसे हैं जिन्हें आवासों की आवश्यकता है, और लगभग 2000 मीटर CC टाइल्स की यहां प्रधान मांग रखते हैं। यहां प्रमुख मांग जो इन्होंने रखी है, प्रमुख समस्या यहां की जो सामने आई है, वो ग्राम समाज की भूमि न होने के कारण किसी भी बारात घर या पंचायत घर का ना होना है, जिसके लिए प्रधान यहाँ मांग रखते हैं। और सांसद निधि और विधायक निधि से भी अभी तक इस गांव में कोई मदद नहीं मिली है, जिसमें प्रधान चाहते हैं कि उनकी तरफ से भी कोई मदद मिले तो ये गांव काफी हद तक विकसित होगा। अशरफ अली के साथ मिनाजरीन टुडे 24 से।